को मिली, हालांकि अब भी 1.5% नीचे है। हमें आज कुछ स्टॉक्स को वॉच करते हैं। UPL ये ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन टाटा केमिकल्स हो, चंबल फर्टिलाइजर हो, क्या ये एक मूव दिखा सकते हैं? अभी तो हरे निशान में आने की कोशिश है टाटा केमिकल्स, इनफैक्ट अब तो 1% तेजी के साथ है। टाटा केमिकल्स पर एक बड़ा डेंट पड़ चुका है, ये ब्रीदर भी बड़ा लंबा ले चुका है, क्या अब ये रेंज के ऊपर आ गया और इसमें से गेंस बनेंगे? संतोष, टाटा केमिकल की बात करें तो ओवरऑल ट्रेंड तो वीक ही, स्टॉक करेक्ट हुआ है, सपोर्ट के आसपास जरूर है, 920-925 के बीच में इसको बहुत अच्छा सपोर्ट था, वहीं सपोर्ट ले रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ से बाउंस बैक होने की गुंजाइश बनती है, ऊपर में आपका 965 से लेके 980 तक एक अपसाइड देखने को मिल सकती है। जो मेजर तेजी आएगी 980 के ऊपर ही आएगी, तो बेटर है इसको अवॉइड करें, या अगर कोई ऑलरेडी पोजिशन होल्ड करता है तो 940 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकता है। प्राइसेस जब घटे थे अभिषेक, उसके बाद आपको याद होगा टाटा केमिकल्स पे एक बड़ी उस दिन 7-8-9% का डेंट आया था, उसके बाद एक रेंज में ही फंसा हुआ है ये। लेकिन दूसरे कुछ और केमिकल काउंटर्स हैं, फर्टिलाइजर काउंटर्स हैं, मूव अच्छी है। लेकिन एक बार ना जरा वोल्टास पे हमें व्यू लेना चाहिए, क्योंकि जो भी महीने भर की आसपास की तेजी थी वोल्टास ने पूरी की पूरी वो गमा दी है, और हम देख रहे हैं कि अब ये 52 वीक लो की तरफ फिर से बढ़ रहा है। 4% की आसपास की गिरावट आज भी है, कल भी हमने 5-6% के आसपास की भारी गिरावट देखी थी। अब वोल्टास इसमें रत्नेश, क्या आपको लगता है कि नीचे जरा जाए तो कोशिश करनी चाहिए लेने की, या फिर अभी भी इसमें शॉर्ट के मौके हैं? वोल्टास का चार्ट कंटिन्यू लोअर लो फॉर्मेशन पे अभी अपने की एवरेज को टच करा था, पर वहां से भी वापस एक इसमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। अपने पुराने प्रीवियस हाई को कभी भी क्रॉस नहीं कर पाता था और नया फिर वापस से लो बना देता है। कल के सत्र में भी एक अच्छी वॉल्यूम एक्टिविटी देखने को मिली डाउन साइड में, तो और आज भी एक कल के लो को ब्रेक करके ट्रेड करा है। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार ये 740 के लेवल को टेस्ट करेगा, 740 के लेवल को ब्रेक करता है तो वहां से एक नई मंदी देखने को मिलेगी, जो कि 720-710 लेवल के लेवल को लेके जा सकती है। तो मेरे हिसाब से अभी लॉन्ग को तो इसमें अवॉइड करना चाहिए, फ्रेश शॉर्ट करना तो आज के सत्र में जब 4% गिरा हुआ पर कभी भी 740 तोड़ता है तो वापिस एक नया यहाँ पे फ्रेश शॉर्ट ले सकते हैं। वहां पे स्टॉप लॉस लाएंगे 755 रुपए का और टारगेट रहेगा अपना 710-720 के टारगेट से। वोल्टास में शॉर्ट के मौके बन रहे हैं, 740 का अगर स्तर टूटता है तो वोल्टास में ये गिरावट और बढ़ सकती है। लेकिन दिस टावर को भी आप एक बार चेक करें रत्नेश, इसमें भी एक अच्छी मूव है पिछले कई दिनों से, इसके नंबर्स आने हैं, क्या अब भी ट्रेड बाकी है या मेजर ऑफ द मूव हो गई है? इंडस टावर का देखने पे चार्ट पे हाल फिलहाल में ऐसे कुछ भी बड़ा मोमेंटम नहीं दिखता है, जो भी थोड़ा बहुत मोमेंटम था मुझे ऐसा लगता है कि वो निकलेगा, बाकी चार्ट में पूरी तरह से अभी मंदी का ही, तो मेरे हिसाब से अभी इसमें कुछ भी कोई पोजीशन किसी ने बनाई हो तो निकल जाए, बड़ी तेजी की संभावना मुझे इसके अंदर नहीं लगती है। यहाँ से बड़ी तेजी आप नहीं देखते हैं, लेकिन आईटी स्टॉक्स पर तो अच्छा मूव है। इनफैक्ट आप शॉर्ट कवरिंग के अबाउट भी उन स्टॉक्स में देख रहे हैं जहाँ थोड़ी दबाव था शुरुआत में, अब फेम्फिसिस जैसे काउंटर्स में भी थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली, हालांकि अब भी 1.5% नीचे है।